जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बनाने वाले हैं हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा लड्डू गोपाल का ड्रेस, और ये बनाने वाले हैं हम पार्टी वेयर ड्रेस। इसके लिए हम इस तरीके से कैप भी बनाएंगे और साथ में ड्रेस भी बनाएंगे। फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बस केवल हम इसको लेस से ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लेंगे, पहले बनाएंगे फ्रेंड्स हम इसका ये कैप बनाएंगे। इस कैप के लिए मैंने ये 4 इंच की ये ली है कटिंग और 1 इंच की ये इसकी विड्थ है। तो इस तरीके से हम इसको वी शेप कर लेंगे और इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसको स्टिक कर लेते हैं। साथ में इस तरह कैसे हम कलंगी बनाएंगे और इसको भी इस तरीके से स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर जो है लेस भी लगा देंगे। तो ये देखिए, पहले हम कैप बनाना सीख रहे हैं क्योंकि इजी में बन जा रही है और सिंपल तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अब साथ में फ्रेंड्स हमने ये लिया है गोटा लेस। इसको इस तरीके से थ्रेड की हेल्प से इसको भर लेंगे और जैसे वो भरा है वैसे ही अब हम इसको ये 1 इंच का हमने क्लॉथ लिया है जो कि इसकी विड्थ है, और ये लिया है हमने लगभग 8 इंच की लंबाई उसका। जैसे दूसरा हमने फ्लावर बनाया वैसे इसको भी फोल्ड करके ये बना लिया है इस तरीके से। अब इसको देखिए इस तरीके से स्टिक करेंगे। आप चाहे तो इसको सिलाई कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्लू गन के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया है हमारा। अब हम बनाएंगे घेर। घेर बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने 4 इंच के विड्थ का क्लॉथ लिया है और ये बना रहे हैं हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इसके लिए हमने लगभग 30 से 32 इंच लंबाई ली है और दोनों तरफ से हमने इसको गोटाले से कवर कर लिया है। और अब हम बना रहे इसकी फ्रिल। ये देखिए बहुत ही अच्छे से उठा उठा के हम फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से ही उसको पकड़ेंगे ताकि इससे हमारा जो फ्रिल है वो बहुत अच्छे से बने। तो ये देखिए हम बना लेते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से जो फ्रिल बनती है उसका घेर जो बनता है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा घेर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें लेस लगा देंगे और उससे है ना हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। पहले हम इसमें लगाएंगे ये नेफा। इस तरीके से बैक साइड से लेंगे इसको। ये 1.5 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए और इसको आगे कर देंगे। अगर आपको डोरी इसमें डालनी है तो इस तरीके से आप डोरी डाल दीजिए। ये देखिए, अगर आप डोरी नहीं डालना चाहते तो जो हम नेफा लगा रहे हैं उसको हम बड़ा कर लेंगे तो वो बांधने में भी काम आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। ये बहुत ही प्यारा, पीछे से भी हम इसको थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे तो इससे हमारा गेटअप क्या है कि बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब बैक साइड में भी जो ओपन हिस्सा है उसमें भी गोटा लेस लगा लीजिएगा। अब हम बना रहे हैं फ्रेंड्स ये चोली। चोली बनाने के लिए मैंने 7 इंच ली है ये पट्टी और साथ में ही ली है ये विड्थ इसकी लगभग 1 इंच ताकि इससे अच्छे से कवर हो जाए। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों साइड से मैंने ये देखिए 2 पट्टियाँ ली है 7 7 इंच की। तो एक साइड से तो हमने इसको क्या करा है गोटाले से कवर कर लिया है और जो ये दोनों का एक साइड का हिस्सा है इसको हम इस तरीके से ये इस तरीके से गोलाई शेप देंगे। मिडिल में अच्छे से राउंड लगाएंगे और दोनों साइड से ऐसे कट कर लेंगे तिरछा तिरछा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है। जब हम इसको पहनाएंगे तो फ्रेंड्स इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है इस तरीके की चोली जब हम पहनाते हैं। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गई है ये इस तरीके से। अब हम जो हमने जिस साइड से कट किया है उस साइड हम लगाएंगे लेस। पहले हम इसको मिडिल से इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये जो हम सिलाई करते हैं चोली की वो अपना हाफ जो होता है उससे कम वाली करते हैं, यानी कि जो हाफ जो होता है उससे हम नीचे से सिलाई करते हैं ताकि हमारी फिटिंग अच्छे से आए। ये हमने कर लिया है, साथ में इसमें इसको फोल्ड भी कर लिया है।
फोल्ड करने के बाद हम साइडों में भी इसकी सिलाई कर देंगे। इस साइडों में सिलाई करने के लिए आप चाहे तो गोटा लेस लगा सकते हैं, और अगर आप कोई अलग लेस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें इस तरीके से लेस लगा ली है मैंने, और इसको नीचे से डोरी भी लगा ली है। तो ये देखिए हमारी चोली रेडी हो गई है, बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारी। अब हम लेस लगाएंगे हमारे घेर में। घेर में ये देखिए मैंने उल्टी एक साइड से नीचे वाली और एक साइड से ऊपर से लगाई है लेस, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है। देखिए ये हमारी चोली लगाने के बाद में कितना प्यारा लुक आया है। और हम इससे पहले ये बना चुके हैं कैप, तो आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट में आपको कैसी लगी। जय श्री राधे राधे।